ये गुरु जी जानी जाने वो सब जानते हैं। तो ऐसे ही गुरु जी के साथ मेरा लाइफ का चलता रहा। अप्रैल का महीना था जब हमको गुरु जी ने, यही महीना था, देखो गुरु जी के करिश्मा देखो कि अभी मेरे को लाइव सत्संग दिया है। अब आज तक मैंने लाइव सत्संग नहीं किया। एक बार मैं जब इंडिया में गई थी पिछले साल, तो मेरी नीलम कपूर आंटी है जो मेरी गुरु बहन है, बहुत नाइस सोल है, बहुत प्यारी आंटी है, उसके जहाँ सत्संग हुआ था तो थोड़ा सा मैंने शेयर किया था। तो ये मेरा लाइव सत्संग पहला है अमेरिका में जो मैं आपको कर रही हूँ। तो ऐसे मेरी लाइफ चलती रही, तो गुरुजी अपनी तरफ खींचते रहे, पता नहीं कैसे खींचते रहे, मेरे को नहीं पता, लेकिन गुरुजी खींच रहे थे। और मेरे को सत्संग पे सत्संग, जो मैं अपनों के लिए पागल होती थी फोन करने के लिए कि इंडिया फोन करना है, अपने भाई को करना है, उसको करना है, उसको करना है, मेरे छूटते जा रहे थे सब संगत जी। मेरा दिल ही नहीं करता था किसी को मैं फोन करूं, सिर्फ मेरा दिल करता था मैं गुरुजी के सत्संग। मेरे को गुरुजी ड्रीम में आए, कहते हैं ना ड्रीम का आना, जब मैं सत्संग से जुड़ गई थी तो पता चलता जा रहा था कि जो ड्रीम है वो ड्रीम नहीं होगा, गुरुजी साक्षात आते हैं आपके पास, आपके दुख देखते हैं। तो ये मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ, मैं बच्चों की जर्नी नहीं बता रही, वो फिर धीरे धीरे आपको जैसे भी मैं आपके साथ आती रहूंगी, एवरी मंथ 16 को तो मैं चलती रहूंगी। ये थोड़ी सी अपनी पहले बताती हूँ, क्योंकि ये आज टुडे संडे राइट, टुडे हमारे मंदिर जाने का, गुरुजी के मंदिर जाने का दिन होता है। तो हम तो सभी ऐसे क्रेजी होते हैं कि आज तो हमारे लिए ऐसे होता है जैसे कोई पार्टी है, कोई विवाह शादी है, उस पे जाना होता है। तो हम सभी लोग, सभी घर के जितने मेरे घर में मेंबर हैं, मेरे ग्रैंड किड्स है, सभी को ऐसे होता है आज तो गुरुजी का दिन है, आज तो गुरुजी के पास जाना है, आज तो गुरुजी के, वैसे सभी उतावले होते हैं गुरुजी से मिलने को। तो ऐसे चलता रहा। तो उस दिन मेरे को गुरुजी स्वप्न में आए, ये देखो अप्रैल के महीने में मेरे को जोड़ा, और अप्रैल के महीने भी मेरे को सत्संग की सेवा दी है। ये थैंक यू फॉर सुनील अंकल, आपका बहुत बहुत ये जो आपने मेरे को सेवा का मौका दिया। तो मेरे को गुरुजी, ये जो गुरुजी के स्वरूप है ना, किधर के वो जो तिरछी निगाह से देख रहे हैं गुरुजी, यहाँ पर नहीं है वो, तो उसमें गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए। तो मेरे को गुरुजी देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा स्वरूप था गुरुजी का जिसमें गुरुजी ने मेरे को देखा और मेरे को बताया क्या किया, मैं आपको बताती हूँ। ये वाला, ये गुरुजी का स्वरूप जो है ना, देखो संगत जी, ये स्वरूप में पहले दर्शन गुरुजी ने मेरे को इस स्वरूप में दिए। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना। और जो मेरी तरफ ऐसे ही देख रहे हैं, स्वप्न की बात बता रही हूँ, गुरुजी मेरे को देख रहे हैं, तो मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ और उनसे कह रही हूँ, गुरुजी आप ऐसे क्यों देखते हो, आप ऐसे तिरछी निगाह करके क्यों देखते हो। तो गुरुजी हंसने लगे और हंस के कहते, कह तो कैसे देखूं। तो मैंने कहा आप मेरे को सीधे होके देखो ना। तो गुरुजी ने साक्षात मेरे को सीधे होके देखा उसी रूप में, उसी में जो भी स्वरूप दिखाया आपको। तो बड़े खुश थे, बस इतना ही मेरा, और कोई बात नहीं हुई। ये मेरा पहला स्वप्न था, गुरुजी ने मेरे को अपने शरण में रखा, अपने साथ जोड़ा, मेरा हाथ पकड़ा। मैं तो गुरुजी से हर टाइम यही कहती हूँ, गुरुजी ये जो हाथ पकड़ा है इसको कभी मत छोड़ना, बस अपनी रजा में रहने देना, बस जब मेरा टाइम आए तो ऐसे ही मेरे को अपनी शरण में होंगी आपके, तो मेरे को ले जाना। तो ये मेरा शुरू हुआ गुरुजी के साथ, और गुरुजी ने मेरे को पता है कि अपनी शरण में ले लिया, जल्दी ले लिया। तो बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ होने लगा। मैं तो कहती हूँ बच्चे अपना सत्संग खुद करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेन है वो मैं बता रही हूँ। ऐसे मेरे सत्संग चलते रहे, मेरे को गुरुजी के सत्संग आते थे, मैं यूट्यूब पे खेलती थी, रोती थी, बहुत रोती थी संगत जी, बड़ा रोती थी। पहले तो गुरुजी ने बहुत रुलाया है, बहुत ही रुलाया है, मैं ऊंची ऊंची रोती थी, लाइक समझ नहीं आता था क्यों हो रहा है ऐसे। तो जब मैंने मंदिर जाना, तो जैसे वहां पर आंटी हैं जो भी, उनसे मिली, तो उनसे भी मैंने वैसे वार्तालाप किया, मैं उनसे भी बहसी कि गुरुजी पहले क्यों नहीं आए मेरी जिंदगी में, मेरे को इतनी छोटी उम्र में मेरे से ऐसे हो गई, मैंने बच्चों को अकेली ने पाला, उनको माँ बाप दोनों का प्यार दिया, तो गुरुजी क्यों नहीं मेरी जिंदगी में पहले आए। तो मैं वो उस आंटी जो यहाँ पर हमारे टेम्पल में आंटी है उनसे कर रही हूँ, तो मेरे को वो प्यार कर रहे हैं, रोती जा रही हूँ। तो मैंने बोला आंटी वो पहले गुरुजी क्यों नहीं आए,
क्यों नहीं आए, क्यों इतनी जल्दी मेरे हस्बैंड को ले लिया अपनी शरण में। तो वो आंटी ने मेरे को बहुत जप्फी डाली, बहुत प्यार किया, कहती आंटी आप रो नहीं, ये शुक्राना है गुरु जी का। वो सोल जो थी ना आपके पति जो थे, वो बहुत ही प्योर सोल थी जो गुरु जी ने जल्दी अपने आप अपनी शरण में उनको ले लिया। तो अब तो लकी हो, गुरु जी ने आपको अपनी शरण में लिया है, आपको जो भी कहना है अपने गुरु से कहो, आपके उनकी शरण में रहो, बस कोई घबराना नहीं है, आपके गुरु जी के पास हो, गुरु जी के कृष्णे देखते जाओ, उनके गुणगान करते जाओ, उनका सत्संग करते जाओ, देखो क्या क्या कृष्णे दिखाते हैं। संगत जी पहले पहले बड़ा रोती थी, जो जो सत्संग सुनती थी ना गुरु जी से बातें करती थी, गुरु जी ऐसे कैसे हो सकता है। जब कोई संगत बोलती थी ना मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे को ऐसे जीवन दान दिया, ऐसे हुआ, ये हुआ, सब सब सुनती थी, लेकिन रोती थी साथ में, कैसे करते हो गुरु जी। फिर मैंने सोचना, नहीं गुरु जी, शायद आप अमीरों के गुरु हो, आप गरीबों के गुरु नहीं हो। मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरे सिर के ऊपर कोई नहीं है, मेरे तो बच्चे भी छोटे छोटे थे जब मेरे को मेरे हस्बैंड चले गए, तो मैंने तो कैसे लाइफ बताई, आप सब जानी जान हो, तो मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्यों हुआ गुरु जी। ऐसे उनसे बातें करती थी, बहुत रोती थी, ऐसी मेरी लाइफ चलती रही, गुरु जी से बातें करती थी। जब भी कोई जल क्या अमृत वर्षा होनी, किसी ने सत्संग करना, तो मैंने बोलना कि ये कैसे हो सकता है, मैं बिलीव नहीं करती गुरु जी। मैं ऐसे बोलती थी सच में, शुक्राना गुरु जी, मेरे को माफ करना, अपने छोटी से नादान बच्ची को माफ करना, मैं बोलती थी उनको, गुरु जी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बिलीव नहीं करती कि ऐसे अमृत वर्षा होगी, शायद वर्षा होगी, मैं नहीं बिलीव करती। ऐसे ही चलता रहा। मेरा एक बेटा, हम पहले न्यूयॉर्क में थे, उसके बाद हम हडसन चले गए, मेरे बेटे ने वहां पर काम शुरू किया, तो हमको भी बोला कि बेटा मेरा रोता रहता था मम्मा, क्योंकि बाप का तो पहले ही प्यार नहीं उनको मिला था, और माँ से, माँ ने भी दूर कर दिया कि अपने बिजनेस में अपना टाइम निकालो, बिजनेस करो, जो भी करना है अपने पैरों पे आप खड़े हो, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। तो मैं उस वो यही नजदीक ही है, 2.5 घंटे का रास्ता है जहाँ से, तो वो उधर मूव हो गए हैं। तो वो हर टाइम रोता रहता था, अपनी वाइफ को बोलता रहता था, तूने मेरी मम्मा से दूर कर दिया। तो हमने डिसीजन लिया, हम भी चले जाएंगे, बड़ा बेटा और हम भी उधर चले गए। मेरी जॉब इधर से छूट गई एयरपोर्ट की, तो मैंने ये रिजाइन दे दिया, 22 साल की मेरी जॉब थी, तो लेकिन चलो जो गुरु जी को मंजूर था वो भी दिखाना था टाइम, तो हम वहां पर चले गए। वहां पर तो एक लाइक संगत जी गाँव है, छोटा सा ना, जैसे हर संजय, वहां पर ज्यादा गोरे लोग ही हैं, इंडियन पीपल बहुत कम है, कुछ बंगाली हैं। तो मैंने सोचा घर बैठे बैठी बैठी तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं तो इंडिया में भी जॉब करती थी जीआईसी में, तो इधर आके भी मैंने जॉब शुरू किया, यहाँ तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो मैंने कहा कि मैं भी जॉब शुरू करती हूँ, मैंने वालमार्ट, यहाँ पर हमारे वालमार्ट है, यहाँ से सब कुछ मिलता है लाइक, तो मैंने वहां पर अप्लाई किया, जॉब तो मिल जानी थी, इजी मेरे को जॉब मिल गई, वो भी मैंने जॉब शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं ना परेशान सी रहती थी, मेरे को जैसे ऐसे किसी बंदे को नहीं देखना, किसी को हेलो हाई नहीं, कुछ नहीं, ऐसे छोटा सा गांव है, तो बहुत परेशान रहती थी। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं न्यू जर्सी में अपनी बिटिया के पास आ जाऊंगी, मेरी बिटिया का यही घर है न्यू जर्सी में। तो वो बोली मम्मा आप मेरे पास आ जाओ, आप अपनी जॉब शुरू कर लो, वही न्यूयॉर्क वाली। तो संगत जी ये जो न्यूयॉर्क है, यहाँ से हमें 1.5 आवर और 1 आवर डिपेंड ऑन दी ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक है। सुबह तो लाइक 45 मिनट और 50 मिनट ही लगते हैं, लेकिन आफ्टरनून जब मैं वापस आती हूँ तो समटाइम 2 आवर, समटाइम 3 आवर भी लग जाते थे। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं वहाँ पर चली जाऊँगी, मेरे बच्चे तो उधर ही थे हडसन में, लेकिन मैं बिटिया के पास मूव हो गई। यहाँ पर मैंने फिर अपनी जॉब वो न्यूयॉर्क वाली अपनी ज्वाइन कर ली, तो डेली अप डाउन करती थी, कार ड्राइव करके जाती थी, तो आती थी, जाते समय बहुत प्रॉब्लम होती थी, सभी बच्चे मेरे को बोलते थे मम्मा आप जॉब छोड़ ही दो तो क्या है। मैंने कहा मैंने जॉब नहीं छोड़नी, मैंने घर नहीं बैठना, क्योंकि जो बंदा जॉब कर रहा होता है तो उसको होता है कि मैं जो भी करता हूँ मैं क्यों किसी के ऊपर डिपेंड हूँ ना। तो मैंने जॉब नहीं छोड़ी, तो फिर बच्चे मेरे बोलने लगे मम्मा आप यहीं एयरपोर्ट पे अप्लाई कर लो। तो मैंने जहाँ अप्लाई किया तो जॉब तो मेरी 22 साल की वहां पर थी, तो इधर मेरे को इजीली जॉब मिल गई। अभी मेरे को 4 साल इधर ही हो गए हैं जॉब करते, न्यू जर्सी एयरपोर्ट पे मैं जॉब करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर जॉब शुरू कर दिया था। तो मैंने अपने बच्चे को, जो दूसरे बेड़े वाला बेटा है, यही मैंने हमारा अपना घर है 2005 में लिया था, लेकिन हम मूविंग नहीं कर पाए थे, हम न्यूयॉर्क में रहते थे, बच्चे लाइक नहीं करते थे, हमने न्यूयॉर्क न्यू जर्सी नहीं जाना।
तो हमने डिसीजन लिया कि हम अपने घर में खाली करवा लेते हैं रेंट वाले को, तो हम यहीं पर मूव हो जाते हैं। तो हमने उनको बोला और हम यहीं मूव हो गए अपने घर में। तो बिटिया का ऑलरेडी अपना घर था ही यहाँ पर, तो एक बेटा मेरा रह गया वहाँ परिहरसन में। तो मैंने अपनी बहू को फ़ोन किया, मेरे दोनों बेटे शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं। तो मैंने कहा बच्चे ऐसे ऐसे गुरु जी हैं, उनके बड़े करिश्मे हैं, मैं आपको लिंक भेजती हूँ, आप उनका सुनना करना। तो मेरी बहू ने भी सुनना शुरू किया। तो जैसे रूटीन में मिलने के लिए आते हैं, उस दिन वो सैटरडे आए, तो देर की बात है तभी की जब मैं ज्वाइन गुरु जी की शरण में पड़ी थी तब की बात है। तो वो मिलने के लिए आए तो बोले, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे गुरु जी के मंदिर में चलते हैं, आप भी चलो और मत्था टेको जाके ना। तो मेरा बच्चा जो है ना, बच्चे नादान होते हैं, तो आपको पता ही है जन जो ब्लड होता है वो ऐसी बातें करते हैं। वो कहता है साक्षी, उसकी बहू का नाम, उसकी वाइफ का नाम साक्षी है, बोला साक्षी देखो मम्मा तो गुरु वाली हो गई, अब तेरे को भी गुरु जी से जोड़ लेगी, गुरु की शरण में ले जाएगी, देखो ध्यान रखियो, ऐसी ना मजाक में बातें कर रहे हैं। तो वो इधर आए मिलने, जैसे आते होते हैं मिलने, तो उस दिन ग्रोसरी लेनी थी, उस साथ ही हमारी ग्रोसरी की दुकान है उधर टेंपल के पास ही, थोड़ी दूरी पड़ती है 2-3 मीटर। तो मैंने उनको कंपेल किया कि आप भी सॉरी गुरु जी, संजय जी सॉरी, तो आप भी ना गुरु जी के मंदिर में मत्था टेको। तो मेरे बच्चे भी गए, उन्होंने भी यानी कि उन्होंने सीरियस नहीं लिया ऐसे कि गुरु जी हैं, उन्होंने ऐसे मजाक में ना, जैसे आपको पता ही है कि इंडिया में गुरु जी जो भी गुरु होते हैं उनका क्या पोजिशन चल रही थी, कैसे कैसे थे, तो बच्चों को बिलीव करना बहुत मुश्किल लगता है। तो हंसी मजाक में उन्होंने मत्था टेका, हंसी मजाक में सब कुछ किया, मत्था टेक के वो स्वरूप ले गई गुरु जी का ना मेरी बहू, तो उसने जाके अपने मंदिर में लगा लिया ना, छोटा स्वरूप था वो लगा लिया। तो वो भी मत्था टेकने लगी जैसे जोत जगाते हैं मेरी बहू भी। तो वो अपने बच्चे की मैं बता रही हूँ कि अभी हमारा जब गुरु जी ने हाथ पकड़ा, कैसे कैसे सभी को कहते हैं ना कि एक बंदा गुरु जी की शरण में आता है तो कहते हैं सब कुल तर जाता है। सो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा बच्चा जहां पर भी जॉब करता था उसको पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। वो बोलता था कि कभी कभी आधा आधा घंटा लग जाता है, पार्किंग नहीं मिलती मम्मा, बड़ा मुश्किल। कहता मम्मा उस दिन की बात है जब हम वहां से आए तो मैंने कहा, कहता मैंने ऐसे लाइक ना चैलेंज किया गुरु जी को, ए मम्मा के गुरु जी अगर आप हो तो मेरे को पार्किंग लगा के दिखाओ। गुरु जी माफी देना, गुरु जी बच्चे को भी माफ करना, उसने ऐसे बोला। तो कहता मम्मा मैंने बोला ही था, तो उसी टाइम एक गाड़ी निकली और पार्किंग खाली हो गई। उस दिन से जैसे गुरु जी ने उसको जोड़ना था, उस दिन से जब कहता मैंने जाना तो पार्किंग खाली मिली, जब जाना पार्किंग खाली मिलती, तो वो अटैच हो गया गुरु जी के साथ। ये गुरु जी ने उनको करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया। तो वो मेरी बहू भी बहुत बिलीव करने लगी कि हाँ कैसे हो सकता है, वहां पर तो इम्पॉसिबल है पार्किंग मिलना। तो आप बोलते हो कि एवरी डे ही कि वहां पर खाली मिलता है, मेरे को कैसे हो सकता है, जब आप जाते हो तो भी आपको कैसे खाली मिलता है। ये बात हुई। तो उसके बाद ये उनका रूटीन हो गया कि उनको अटैच कर लिया। तो बड़ा बेटा तो ऑलरेडी अटैच था और मेरी बहू के साथ भी करिश्मे हो रहे थे, उसको जॉब पे, वो भी नाइट टाइम जॉब करती है, तो उसको भी ब्लेसिंग मिल रही थी, लेकिन वो बताती बहुत कम है। तो जब उसने बताया तो मम्मा ऐसे ऐसे ना मेरे प्रमोशन मिली है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं हेडेक नहीं लेना चाहती टू मच। तो मैंने कहा ये गुरु जी की कृपा है, उनकी ही कारनामे है जो आपको प्रमोशन दे रहे हैं। इंडियन लेडी, वहां पर भी इंडियन लोग कम है, तो हैं लेकिन इतने नहीं है। तो कहती कि इतने पुराने पुराने लोग हैं उनको अभी प्रमोशन के लिए नहीं उन्होंने बोला। तो मेरे बॉस ने मेरे को बोला कि ज्योति शर्मा कि आपको हम सिलेक्ट करते हैं। कहती मैंने रिफ्यूज कर दिया, मैंने नहीं लिया। तो उनकी भी जर्नी शुरू हो चुकी थी। तो मैं अपनी बता रही हूँ। तो उन्होंने जैसे जैसे गुरु जी के मैं करिश्मे सुनती थी, संगत जी बड़ा रोती थी बहुत ज्यादा रोती थी। वो तो गुरु जी से बोलती थी, गुरु जी ये क्या है, कैसे कर रहे हो आप, हम पर कब कृपा करोगे, कैसे मेरे बच्चे के दुख दूर होंगे, ऐसे चलता रहा। फिर मेरे को गुरु जी ने एक बार दर्शन दिया, गुरु जी का जो ब्राउन चोला है ना, ब्राउन चोले में जो गुरु जी है, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कौन सा था चोला डाला हुआ गुरु जी ने। लेकिन गुरु जी का वो फेस दर्शन नहीं मेरे को हो रहे थे। तो जो सब मेरे को डेली रूटीन में हो रहा था ना, मैं अपनी बिटिया को, जो मेरी जिठानी की लड़की है जिसने मेरे को गुरु जी से जोड़ा, हर चीज में उसको बताती थी, जो दिन में होता था, जो रात में होता था, जो गुरु जी मेरे सब कर रहे थे, सब मैं उनको बताती थी। आज मेरे को मनु ऐसे हुआ, मनु ऐसे मैं रोती रही, ये हुआ वो हुआ, ऐसे ही चलता था।
वो ब्राउन चोली वाला मेरे पास नहीं है, नीचे है, मेरे लिविंग रूम में लगा हुआ है। तो ब्राउन चोला जो डाला हुआ है गुरुजी ने, वो दिख रहा है मेरे को, चोला है, लेकिन गुरुजी का फेस मेरे को नजर नहीं आया। तो बहुत बड़ा पंडाल है, बहुत ज्यादा बड़ा। तो गुरुजी ना ब्लेसिंग दे रहे हैं, लाइक जो होते हैं ना चावल, मिठे चावल, वो डब्बे में भर भर के लोगों को दे रहे हैं, सभी लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं बुला रहे। तो मैं खुद ही उठती हूँ और गुरुजी के पास जाती हूँ। गुरुजी का फेस मेरे को बिल्कुल नहीं दिखा, गुरुजी का नीचे का सारा मेरे को चोला दिख रहा है, वो ब्राउन कलर का। तो वो मैंने बोला गुरुजी मेरे को भी दो ना, आप मेरे को नहीं बुला रहे। तो गुरुजी हंसे मेरे की तरफ देख के, और बड़ा सा मेरे डब्बा चावल का, मिठे चावल का भर के दे दिया। तो मैं बड़ा रोई, बहुत खुश भी हूँ, खुशी के आंसू हो रहे हैं, वो रोती जा रही हूँ साथ में। तो गुरुजी हंसते जा रहे हैं। तो ये मेरे को सेकंड टाइम दर्शन हुए, बहुत बार दर्शन हुए। गुरुजी ने मेरे को बहुत बहुत ब्लेस किया। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत दुखों से दूर किया है। तो ऐसे मेरे से हुआ। फिर मैंने मनु को बोला, मनु ऐसे ऐसे मेरे को गुरुजी ऐसे ऐसे दर्शन दिए, लेकिन ये गुरुजी हैं क्या? तो उसने मेरे को उसी टाइम ना वो ब्राउन चोले वाला का पिक्चर भेजा और स्वरूप भेजा और कहा कि आंटी ये थे। मैंने कहा हाँ यही थे, यही डाला हुआ था। और ये तो गुरुजी, कहती ये तो गुरुजी है, फिर और कोई नहीं था, ये गुरुजी आपको दे के गए हैं चार मीठे चावल। तो फिर मैं मंदिर गई अपनी न्यू जर्सी मंदिर में, गुरुजी के टेंपल में। तो मैंने वहां पर आंटी को बोला, आंटी ऐसे ऐसे, आंटी बोली आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि मैं रोती बहुत थी संगत जी उस टाइम, मैं बड़ा रोती थी। पहले तो मैं बोलती अब तो गुरुजी ने शक्ति दे दी है, अब नहीं रुलाते। उस टाइम तो बड़ा रोती थी। तो गुरुजी, मैंने उसको आंटी को बोला, आंटी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, सोपन में गुरुजी आए हैं तो ऐसे ऐसे मेरे को मिठे चावल दिए। कहती आंटी यू लक्की, क्या आप लक्की हो, गुरुजी ने आपको मिठा दिया है, कुछ खुशखबरी है आपके यहाँ, कुछ अच्छा होने वाला है, आपको ब्लेस कर दिया है गुरुजी ने। तो मैंने कहा अच्छा। तो इतनी नॉलेज नहीं थी पहले संगत जी, बिल्कुल नहीं जानती थी, कुछ बातें ही ऐसी थी जो मैं नहीं समझ पाती थी। तो धीरे धीरे जुड़ती गई, ऐसे ही मेरे साथ चलता रहा, मेरी जर्नी चलती रही। हम जाते थे एवरी संडे को, हम जाते थे, हमें तो ऐसे चाव होता था जैसे पता नहीं कहाँ जाना है। और गुरुजी खींचते थे ऐसे पकड़ के कि चलो फटाफट, और रेडी हो जाते थे सभी जाते थे मत्था टेकने। लेकिन मेरी बिटिया को इतना विश्वास नहीं था, तो उसने भी जाना शुरू किया। आपको मैं क्या बताऊँ, ये हंसी की बात भी है, मेरे दिमाग बिल्कुल नहीं मानते, अभी थोड़ा थोड़ा मानते हैं, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं मानते थे। वो तो ऐसे जाते थे जैसे पार्टी में जाते हैं ना, क्योंकि आपको बताऊँ संगत जी, यहाँ पर हमारे टेम्पल में ऐसे गुरुजी का लंगर बनता है ना, ऐसे बनता है जैसे शादियों में नहीं होता, पंडाल लगते हैं और अलग अलग चीजें मिलती हैं खाने को, तो ऐसे हमारे मंदिर में होता है ना गुरुजी के टेंपल में। तो मेरा दिमाग तो ऐसे जाता था, आज तो ये बना है, अच्छा चलो मम्मा मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे खाने के जरिए गुरुजी के पास जाता था, गुरुजी ने कैसे उनको जोड़ा। मेरी बिटिया कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन मेरा दिमाग होता था अच्छा आज क्या बना है, मम्मा बताओ तो आज गुरुजी के लंगर में क्या है। तो मैं बताती थी, कहते चलो हम आ रहे हैं। वो एज लाइक खाने के लिए जाते थे, ना कि गुरुजी से अटैच हुए थे, पर लेकिन गुरुजी उनको अटैच कर रहे थे, ये तो मैं जानती हूँ ना। वो लंगर के प्रसाद के बहाने उनको बुला रहे थे। ऐसे चलता रहा। तो छोटा सा मैं ये तो मेरी जर्नी अभी तो बहुत लंबी है संगत जी, बहुत लंबी है, जो मैं एवरी मंथ 16 को 8:30 आपके इंडिया से के हिसाब से सुनाया करूंगी। तो एवरी संडे बैठूंगी। बहुत बहुत करिश्मे हैं गुरु जी के, बहुत मैं जितने गुणगान गाऊं उनके कम है, मैं क्या क्या बखान करूं उनका काम है। और मेरे को इतनी प्यारी संगत मिली, ये देखो नीलम कपूर आंटी, मैं उनको नहीं जानती, वो मेरे को नहीं जानती, मैं कहाँ हूँ अमेरिका में, वो इंडिया में है आगरा से। तो कैसे अटैचमेंट उनसे हुई, ऐसे उन्होंने फेसबुक पे डाला एनीबॉडी वांट टू मंत्र सेवा करना चाहती है तो मेरे से कॉन्टेक्ट करे। तो मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे को किसी ने बुलाया है। तो मैंने उनको कॉल किया, कि मैंने मैसेज छोड़ा, मैसेज पे मैसेज चला कि आंटी आई वांट सेवा, लेकिन वो बोले कि 15 मिनट की सेवा हो, ये मैसेज चल रहे हैं तो 15 मिनट सेवा होगी। तो मैंने कहा इज ओके। तो उन्होंने पता नहीं मेरे को पहले कौन सा दिन दिया, लेकिन मैंने उनको बोला कि संडे मेरा ऑफ होता है, तो प्लीज गिव मी सेवा फॉर गुरु जी इज संडे। तो वो बोले ओके आंटी आप शाम की करो, लेकिन हमारा इंडिया का शाम होगा 6:00 और हमारा यूएसए का 8:00 तब था, अब 8:30 है, क्योंकि हमारी टाइमिंग चेंज होते रहती है। तो मैंने वो सेवा ली। तो तब से
लाइक मैं 21 के लास्ट से आई थिंक, मेरे को टाइम नहीं पता पूरा, तो तब से मैं सेवा पे हूँ। मैं नहीं, गुरु जी करवा रहे हैं, गुरु जी की शरण में हूँ। गुरु जी चाहते हैं तभी होती है, अदरवाइज मैं तो कर नहीं सकती, ये गुरु जी ही करवाते हैं। तब से मैंने 15 मिनट की सेवा ली और अपनी नीलम, जो नीलम कपूर आंटी हैं, गुरु का सिमरन, उन पे सेवा पे मैं बैठ गई। तब से लेके आज तक मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं नहीं करूं। अगर कभी बीमार होती हूँ तब भी बैठती हूँ, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं कुछ जाने का हो, तब मैं आंटी को फोन करती हूँ, आंटी आप मेरी सेवा कर देना। तो ऐसे चलता रहा। इंडिया भी गई तो मैंने वहां पर भी जाकर अपने मायके में भी सेवा ले रखी थी, और जब कभी वही बाहर घूमने गए तो मैंने आंटी को कॉल किया। ये सेवा मेरी तब से चल रही है। तो उसके बाद ऐसे ही मेरी जर्नी चलती रही संगत जी। बहुत बहुत गुरु जी ने कृष्णे किए हैं, बहुत ज्यादा मैं रोती थी। बहुत पहले पहले तो गुरु जी बड़ा रुलाया मेरे को संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मैं हिचकियां भर भर के रोती थी, बहुत रोती थी। और गुरु जी से कहती भी थी, गुरु जी क्या आप कर सकते हो, आप ऐसे ऐसे सत्संग सुनने को मिलते हैं, आप हो, आप ऐसा करते हो, आप करते हो, तो मेरे को तो कुछ दिखाओ ना, मेरे को तो बताओ ना। लेकिन गुरु जी ने पहले पहले मेरे को कुछ नहीं दिखाया, मेरे को कुछ नहीं बताया, लेकिन अपने साथ जोड़ रखा था गुरु जी ने मेरे को। और मैं सत्संग में सुनती थी, मेरे को सब कोई और फोन अच्छा नहीं लगता था। जब मैं पहले मैं जैसे इंडिया में फोन करती थी, कभी किसको, वो मेरा छूटता जा रहा था, मैं नहीं कर पाती थी, मेरा दिल नहीं करता था किसी से फोन करूं। ओनली मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी हर टाइम, मेरे को लगता था मैं सत्संग सुनूं, किसी से बात ना करूं, बस सत्संग से जुड़ी रहूं। तो ये गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा मेरे को। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत लख लख शुक्राना है जो मेरे को अपने चरणों में लगाया। और जी मेरे बहुत सत्संग है, फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, ये अगला जो सत्संग है फिर मैं यहीं से शुरू करूंगी। लेकिन शॉर्टकट में बता रही हूँ कि मैंने अमृत वेला भी गुरुजी ने मेरे को बख्शा। मैं करने वाली कोई नहीं हूँ, कभी नहीं किया मैंने अमृत वेला, कभी नहीं किया। हाँ ठीक है, जैसे हमारे रूटीन में जैसे होता है, हम ब्राह्मण हैं, जैसी देवी देवता पूजते हैं वैसे करते हैं, नवरात्रि रखना और मंदिर जाना, गुरुद्वारे भी मैं जाती थी, ये नहीं कि मैं नहीं जाती, क्योंकि जहाँ पर तो मेरा सर्कल सारा जो भी है वो सारी मेरी जो फ्रेंड सर्कल है वो सरदार लोग ही हैं, तो मैं गुरुद्वारे भी जाती थी, मत्था टेकती थी। लेकिन ये गुरु के पास नहीं तो मैं कभी गई थी। तो ये जब से गुरु जी की शरण में आई तो मैंने सब दीन दुनिया छोड़ दी। मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता था कि किसी से बात करूं, किसी से फोन करूं, किसी से अटैच हो, सिर्फ मेरे को गुरु जी चाहिए थे। गुरु जी का मैं सत्संग सुनूं, गुरु जी से बातें करूं। जो मैं अपनी बिटिया, जो मेरी जिठानी की बेटी है, वो बफलो में, उससे बातें करती थी, गुरु जी ने ऐसे किया, मनु ऐसे हो सकता है, क्या सच्ची ऐसे होता है, क्या किसी ने किया है, किसी ने देखा है। कहती आंटी मैं भी पहले नहीं मानती थी, वो भी पहले नहीं मानती थी, उसकी आगे ननद है, वो कैनेडा में है, तो वो मानते थे। वो उसने बताया कि वो छोटा सा रूप जो गुरु जी का होता है, ये जो जहाँ लगा है छोटा सा, वो कहती मेरी ननद ने मेरे को वो दिया था, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती थी। कहती मैंने कभी सोचा नहीं था कि गुरु की शरण में जाऊं। कहती ऐसे ही मैंने ना अपने जो घर में मंदिर छोटा बना होता है उसमें रख दिया था, जैसे जोत जगती है वैसे जगाती थी। कोई खास मैं गुरु जी की तरफ नहीं थी, अटैच हुई थी, लेकिन जो गुरु जी ने उसको करिश्मे दिखाए, जो जो उसको अटैच किया अपने साथ, फिर वो बहुत हो गई। तो उसके जरिए ही हमसे जुड़े, हम गुरु जी से जुड़े, और उसी का ही मैं धन्यवाद करती हूँ, उसका लख लख शुक्राना करती हूँ। मैं हर पल यही कहती हूँ कि गुरु जी मेरे हैं, लेकिन पहला रब मेरा मेरी बिटिया मनु है, जिसने मेरे को इस रब से मिलाया, इस परमेश्वर से मिलाया, इस मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी की शरण में मेरे को डाला। पहला रब मेरा मनु है, मैं उसका शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी इसको बहुत सुख देना, जिस रब ने मेरे को इस सच्चे रब से मिलाया उसका शुक्राना है पहले, क्योंकि मैं तो गुरु जी को जानती नहीं थी, मेरे को किसी ने गुरु जी के बारे में बताया नहीं था। हम इंडिया में रहे इतनी देर, हम हुशियारपुर के हैं, जलंधर साथ में है, कभी किसी ने कुछ नहीं बताया था, मैं जानती नहीं थी गुरु जी कौन है। लेकिन जब जब हम नजदीक आते रहे, मैंने जो जो बातें करी, जो जो मेरे साथ होता था, मैं पल पल की खबर अपनी मनु बेटी को देती थी, मनु ऐसे हुआ मेरे साथ, मनु आज गुरुजी ने ऐसे किया मेरे साथ गुरुजी ने। और संगत जी जो जो चलता था ना, जैसे रूटीन में मेरे को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मेरे को कोलेस्ट्रॉल, जैसे डॉक्टर ने बताया, तो मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी आप कुछ हो तो मेरे को भी बताओ ना।
आप बिलीव करो संगत जी, जब मेरे पहला जब मैं अटैच हुई तो मेरा रूटीन चेकअप होता है जैसे साल में, तो मैं जैसे संगत से सुनती थी ना मैं सत्संग में कि आप जब जाओ तो गुरु जी को साथ लेके जाओ, जब जाओ गुरु जी का नाम लेके चलो, गुरु जी हमारे साथ चलो, गुरु जी आपने करना है जो करना है, तो ऐसी मैं करती थी। जब मेरा पहला जब मैं अटैच हुई तो मेरा पहला जो आया ईयरली का मेरा जो टेस्ट थी, तो मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी देख लो अब आपकी लाश जो मेरी लाश है आपके हाथ में है, आपने जो करना है मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तो सत्संग सुनती हूँ, मैं कैसे बिलीव करूँ कि आप मेरे साथ हो। यू बिलीव संगत जी, आप बिलीव करो चाहे ना करो, लेकिन ये मेरे को पता है मेरे गुरु जी ने कैसे मेरे को अपने पास जोड़ा और कैसे मेरे को बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। आप मानो नहीं, मेरा जो हाई रहता था एवरीथिंग वो डाउन होना शुरू हो गया, गुरु जी ने कृष्मे करने शुरू कर दिए, तो वही से मेरा अटैचमेंट और ज्यादा होता गया। गुरु जी ने सब मेरे जो भी मेरे टेस्ट थे वो हो गए। जब मैं आंखों का टेस्ट हुआ, मैं आंखें टेस्ट भी जैसे होती है एवरी ईयर वो गई, तो मैंने फिर गुरु जी को याद किया, जैसे हम लोग पागल है ना गुरु जी से मांगते रहते हैं। गुरु जी ने देखे संगत जी सुनते हैं हम कि गुरु जी से मांगना कुछ नहीं है, हमको मानना है, लेकिन जब हम जुड़ते हैं हमें विश्वास नहीं होता। सच जानो संगत जी नहीं था पहले, बिल्कुल नहीं था, अब तो उनके ऊपर छोड़ दिया, अब तो कहती हूँ गुरु जी आप जानो आपका कहा, आप जानो आपके बच्चे, मेरे कुछ नहीं है। मैंने तो कह दिया है गुरु जी से मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा, मेरा कुछ नहीं है, बस मेरे को तो आप चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, ना बच्चे चाहे ना बच्चों की मोह ममता चाहे। मैंने तो अब तो गुरु जी से मांगती हूँ गुरु जी इस मोह ममता से मेरे को छुड़ा दो, बस अपनी शरण में रखो। और ये सत्संग तो चलता रहेगा बहुत ज्यादा, लेकिन मैं बीच बीच में आपको बता रही हूँ जो मेरी जो जर्नी है, फिर मैं वहीं से शुरू करूंगी जो मैंने से जहाँ से आपको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को मिठे चावलों का प्रसाद मिला, उसके बाद की जर्नी फिर मैं अगले में बताऊंगी, लेकिन शॉर्टकट बीच में से बताती जा रही हूँ। ऐसी मेरे आंखों का टेस्ट के लिए गई, यू बिलीव, आप मानो या ना मानो, लेकिन मेरे गुरु जी की कृपा हुई। मेरी डॉक्टर ने बोला ओ शर्मा आपकी तो आईज बिल्कुल परफेक्ट है, आपको आपका जो नंबर है वो लो नहीं हुआ, आपका ठीक हो गया है, आप बेटर हो पहले से। मेरे को इतनी खुशी हुई, हो गुरु जी ये तो सच्ची कर दिया आपने, तो जब मैं कह के चलती थी ना गुरु जी ऐसे नहीं ऐसे, तो सच्ची गुरु जी मेरे साथ होते थे। संगत जी मैं क्या बताऊं, क्या क्या करिश्मे हैं कि ये बहुत करिश्मे हैं गुरु जी के। गुरु जी ने मेरे बच्चे को, मेरा अब तो मेरा नहीं है, मैं सब कहती हूँ गुरु जी आपका, अपने बच्चे को लाइफ दी है, जो मेरी लाइफ दी हुई थी, जो मैंने उसको जना था वो उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी सारा, ये तो आप सत्संग चलते रहेंगे, मेरे पास बहुत सत्संग है, पल पल के सत्संग है, एक एक पल के सत्संग बताते हैं गुरु जी, एक पल पल में बताते हैं क्या क्या मैं तेरे साथ हूँ, कभी क्या दिखाते हैं कभी क्या दिखाते हैं, कभी कभी रोती हूँ गुरु जी अपने दर्शन नहीं देते, ओम के दर्शन देते हैं, कभी क्या करते मैं क्या क्या बताऊ, सच में कभी ओम दर्शन होते हैं, कभी गुरु जी खुद बता देते हैं ऐसे करो, गुरु जी के बहुत करिश्मे हैं संगत जी। ये मैं आपको अगले सत्संग में बताऊंगी, मैं एवरी मंथ 16 को अपनी सेवा दूंगी, जैसे गुरु जी चाहेंगे जो गुरु जी बुलवाएंगे, गुरु जी भुलचुक के लिए माफ करना, जो आप बुलवाओगे मैं वो ही बोलूंगी, आप ही जानते हो मेरे अंदर क्या है, मैं कुछ नहीं जानती, आप ही बुलवाओगे, आपके गुणगान गाऊंगी, ये जीवा थक जाएगी लेकिन आपके गुणगान कम नहीं होंगे, ये तो बहुत बहुत गुणगान है आपके मेरे पास, आपका जितना गुणगान करूं उतना कम है। संगत जी मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है, मेरे बेटे को डिक्लेयर कर दिया था कि ही इज नॉट मोर, हमारे पेपरों पे साइन करवा लिए थे, एंड यू बिलीव संगत जी गुरु जी हमारे यहाँ आए, ये भी सारा मैं आपको बताऊंगी कैसे गुरु जी आए, क्या क्या उन्होंने कहा, किस रूप में आए। सच्ची हम सत्संग सुनते हैं ना कि गुरु जी आते हैं, ये नहीं कि गुरु जी आपने किस रूप में आते हैं, कई रूप है उनके, सच में संगत जी आप मानोगे जब मेरे सत्संग सुनते जाओगे आपको बिलीव होता जाएगा कि कैसे गुरु जी आए थे, क्या क्या उन्होंने किया और क्या क्या करिश्मे दिखा रहे हैं। लेकिन अभी तक कहते हैं ना गुरु जी कहते हैं कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, सच्ची निचोड़ते हैं, सच्ची संगत जी सच्ची निचोड़ते हैं, लेकिन माँ का दिल
मैं तो गुरु जी से बोलती होती हूँ, गुरु जी अगर आप कहते हो कि रो नहीं तो माँ क्यों बनाई थी, माँ का दिल तो माँ का दिल है ना, वो तो रोता ही है ना, क्या करे कैसे, अर्पित तो सब कुछ कर दिया, लेकिन जब कोई तकलीफ बच्चे को होती है तो माँ का तो पेट रोता है ना। अगर मैं फेस से नहीं जाहिर कर सकती तो अंदर से मेरा आही निकलती है कि क्या करूं गुरुजी अब तो बस करो, गुरुजी अब तो बस करो। लेकिन किसी से मैं बात करती हूँ ना तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, ये गुरुजी आपको नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, ये परीक्षा ले रहे हैं, आप कहाँ तक उनके साथ हो, भागते तो नहीं हो, उनको छोड़ते तो नहीं हो, लेकिन गुरुजी माफी देना, मैं आपके हमेशा पल पल आपके साथ हूँ। गुरुजी को एक बार बोला था, गुरुजी मेरे को अमृत वेला बख्शो, आप दुनिया को अमृत वेला बख्शते हो, मेरे को क्यों नहीं हिम्मत आती कि मैं अमृत वेला करूँ। ये तो लंबा सत्संग है, पूरा पूरा मैं डिटेल सुनाती जाऊंगी, मेरे को अमृत वेला भी बख्शा गुरु जी ने। आप मानो नहीं संगत जी, अगर मैं रात को 12 बजे भी किसी पार्टी वार्टी में जाते हैं, हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं, लाइक हम जाते हैं तो 12 बजे भी घर आते हैं ना, 12:30 भी आते हैं तो, लेकिन मैं गुरुजी को कह के सोती हूँ गुरुजी आज 3 बजे मत उठाना मेरे को, प्लीज लेट उठाना है ना, तो आप मानो नहीं संगत जी गुरुजी धक्का देके उठाते हैं, सच्ची में 3:15 के बीच में मेरे को धकेलते हैं। मैंने अब पिछली बारी की बात है, मैंने कहा नहीं गुरुजी अब मेरे को 4 बजे से पहले नहीं उठाना, लेकिन यू बिलीव गुरुजी ने मेरे को कैसे किया, मेरे पेट में ऐसे गड़बड़ हुआ मेरे को उठना ही पड़ा। मैंने सोचा मैं नहीं उठूंगी, मैंने अपने आप को होल्ड किया, नहीं मैंने नहीं उठा, लेकिन गुरुजी ने क्या उसका करिश्मा है अभी गुरुजी का, गुरुजी ने मेरे को उठा दिया, इतनी पेट में दर्द हुआ मेरे को उठना ही पड़ा। तो फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी शुक्राना आपका, मैं तो भूल गई थी ना मैंने अभी अमृत वेले में बैठना है, अमृत वेले में बैठती हूँ, उन्होंने शुक्राना मेरे को अमृत वेला बख्शा है, गुरुजी ने बहुत करिश्मे हैं संगत जी, मैं क्या क्या बताऊँ, क्या क्या उनके शुक्राने गाऊँ, बता नहीं सकती, बहुत बहुत करिश्मे हैं। और अच्छे लोगों से मिलना ये तो गुरुजी की कृपा है ना, जब गुरुजी मेहरबान होते हैं, गुरुजी अपने करिश्मे दिखाते हैं तो अच्छे इंसान से भी मिलाते हैं, जैसे मेरे को मेरी बहन नीलम कपूर आंटी मुलाई आगरे वाली, मैं उसका देना नहीं दे सकती संगत जी, मैं आपको कैसे बताऊं, अपना दिल चीर के बता नहीं सकती कि कितनी मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उसने मेरे लिए जो भी किया, ना वो मेरे को जानती ना मैं उसको जानती, लेकिन उसको ऐसे चाव चढ़ गया था जैसे कि मैं क्या कहूँ, कोई अपना सगा संबंधी अपना रिश्तेदार भी नहीं करता जो उसने मेरे लिए किया। तभी तो गुरुजी ने कहा था ना कि अच्छी इंसान की संगत और उसके साथ संबंध, कहते हैं कि गुरुजी ने बोला था अच्छे इंसान की संगत और उसके साथ संबंध, कि जो आप लोग अच्छे इंसान से मिलते हो उसके साथ संबंध बनाते हो वो कैसा होता है, वो उस गन्ने के समान होता है, उस मीठी गन्ने के समान होता है जिसे तोड़ो मरोड़ो या काटो फिर भी मीठा रस ही निकलता है, उसमें से मीठा रस ही निकलता है, ऐसी अच्छी संगत है गुरुजी की। और मेरी नीलम कपूर बहन की तो मैं देना नहीं दे सकती, कैसे मेरी उन्होंने की है ये गुरुजी जानते हैं, गुरुजी को पता है, गुरुजी उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, बहुत बहुत ब्लेस करना। तो सो सतगुरु साड़ी नाल है, हमेशा ही नाल है, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना करती हूँ। तो मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी तो मैं कमली नहीं तेरे गुण में गा ना सकूँ, तुमको मैं रजा ना सकूँ अपना ना बना ना सकूँ। गुरुजी ये आपके लिए है, इतनी तो मैं कमली नहीं तेरे गुण में गा ना सकूँ, तुमको मैं रजा ना सकूं अपना बना ना सकूं। कमली मुझे कहते हैं संसार सभी दुनिया, गुरुजी कमली मुझे कहते हैं संसार सभी दुनिया, तेरे नाम में रंगना है जैसे भी मैं रंगती रहूं, इतनी तो मैं कमली नहीं तेरे गुण में गा ना सकूं। होता है एहसास तेरा, होता है गुरुजी एहसास तेरा तेरे गीत में जब गाऊं, होता है एहसास तेरा तेरे गीत में जब गाऊं, फिर आत्मा कहती है तेरे में मैं मिल जाऊं। सच में ऐसे लगता है मैं गुरुजी में ही रम जाऊं, गुरुजी में ही बस जाऊं और कुछ नहीं चाहिए, अब तो गुरुजी के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। सच्ची हम जाते हैं मजबूरी में पार्टी वार्टी में, लेकिन सच में बता रही हूँ संगत जी, जो गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, किसी के साथ नहीं अच्छा लगता, ऐसे चाप चढ़ जाता है गुरुजी की बातों में,
ऐसे लगता है हर टाइम गुरु जी के गुण गाऊं, गुरु जी के गीत गाऊं, गुरु जी को ही ध्याऊं, गुरु जी की संगत में ही रंग जाऊं, गुरु जी से ही बोलूं कि गुरु जी बस आप ही हो मेरे, आप ही हो। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, ओ मुझे मिल गया, ओ मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। बाजी जब गुरुवर से लगाई, बाजी जब गुरुवर से लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई, पलट गया पासा मेरे भाई, मेरी हार हो गई जीत दुनिया क्या जाने, मेरी हार हो गई जीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। प्रीतम ने खुद प्रेम जताया, ओ गुरु जी ने खुद प्रेम जताया, करके इशारा मुझे बुलाया, ओ गुरु जी ने, ओ प्रीतम ने खुद प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया। जे तो प्रेम की, ओ जे तो प्रेम की उल्टी रीत दुनिया क्या जाने, ये प्रेम की, ओ जे तो प्रेम की उल्टी रीत दुनिया क्या, मेरी लगी ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। वो ताल अलग है राग अलग है, वो तार अलग है, वो ताल अलग है राग अलग है, ये बेराग राग अलग है, वो ताल अलग है राग अलग है, ये बैराग राग अलग है। ओ मन गाए किसके गीत दुनिया क्या जाने, मन गाए हरदम गीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। सत्संगी होकर सब कुछ सीखा, पहले कुछ नहीं पता था, सच में कुछ नहीं पता था, सत्संगी होकर सब कुछ सीखा, काम क्रोध को सबको सीखा, होकर सीखा कैसा है, कैसा दुनिया क्या जाने, मेरी लगी ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। अब तो कमले हो गए हैं, शुक्राना गुरु जी, अब तो सच्ची में कमले हो गए हैं, सच में बता रही हूँ संगत जी, मैं तो कमली हो गई हूँ गुरु के प्यार में, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता, सब कुछ यही लगता है कि बस गुरु के शरण में रहूँ, गुरु जी के पास बैठूँ, गुरु जी को ही ध्याऊँ, गुरु जी की बातें सुनूँ और गुरु जी की बातें ही सुनाऊँ। गुरु जी, संगत जी आप क्या बोल रहे हो, स्वरूप की आवाज और फोटो सकते हैं संगी? नहीं रेणु, रेणु सिंह जी आप भाई नहीं कर सकते, आपको जो ब्लेसिंग ही मिलेंगी, आप किसी संगत से जुड़िए। और नीलम अंटी, नीलम कुंवर अंटी आगरा से हैं, गुरु का सिमरन उनका पेज है, जहाँ आप सुनील बांसल अंकल जी से जुड़िए, उनका डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी प्लेटफॉर्म है, उनसे पूछिए वो आपको देंगे, मैं तो अमेरिका में बैठी हूँ, अदरवाइज मैं भी सेवा करती, गुरु जी जो चाहते हैं वो करवाते आप। और गुरु जी का लख लख शुक्राना है, सुनील अंकल आपका लख लख शुक्राना है, जो मेरे को ये सेवा का मौका दिया और ये लक्की नंबर मेरे को 7 दिया। पहले तो मैंने मना किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ये तो गुरु जी का नंबर है 7, गुरु जी ने ही करिश्मा किया है, गुरु जी ने ही अपनी शरण में रखा है, तो फिर इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया, गुरु जी ने करवाया, मैंने करने वाली कोई नहीं, ये गुरु जी ही चाहते हैं। सुनील बांसल अंकल शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना, ऐसी में मैं सेवा में आती रहूंगी, मरते तक तम सेवा में बैठूंगी, जो जो गुरु जी करवाएंगे, जो जो गुरु जी कृष्ण करेंगे वो सुनवाऊंगी सबको, संगत जी को,
सब सत्संग सुनाऊंगी, जो जो होते हैं। मैं तो गुरु के प्यार में पागल हूँ, सच्ची बताती हूँ, सच्ची मैं गुरु के प्यार में पागल हूँ। मेरे को ऐसे लगता है मैं पागल हो गई, गुरु जी ने पागल कर दिया है अपने प्यार में, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरे को ये दिल कहता है गुरु जी बस मेरे को मोह ममता से भी छुड़वा दो, मेरे को मोह ममता से दूर कर दो, अपनी शरण में रखो, हर पल आपका नाम दियाऊँ, हर पल आपको ही दियाऊँ, बस आपके गुण गाऊँ, अपनी शरण में रखो। जो मेरे से कोई गलती हो तो मेरे को माफ़ करें गुरु जी, मैंने किसी को गलत बोला हो तो मेरे को माफ़ी देना गुरु जी। संगत जी आप भी माफ़ करना, आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, कान पकड़ कर विनती है, मेरे को माफ़ करना। अगर मैंने कोई गलत शब्द बोल दिया हो मेरे को माफ़ी देना। शुक्राना 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 सभी संगत जी का जो जुड़े हैं, शुक्राना आपका बहुत बहुत शुक्राना। और अगले मई महीने फिर 16 मई को आऊँगी, उस दिन मेरी जॉब है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी अपनी जॉब पे ही सत्संग करूँ। उस दिन मैं ये घर का, मेरे घर में छोटा सा गुरु जी का मंदिर है, ये देखो संगत जी, तो लेकिन वहाँ पर तो नहीं होगा, मेरे पास स्वरूप है गुरु जी का, वो लेके बैठ के मैं गुरु जी का सत्संग करूँगी, जो गुरु जी चाहेंगे जो बुलवाएंगे, चाहे मैं उसको थोड़ी टाइम सेवा देंगे। सुनील बांसल अंकल जी आप माफ़ी देना, अगले महीने मेरी जॉब है, मैं जॉब पे होंगी, तो कोई बात नहीं, मैं सेवा ज़रूर करूँगी। अगर 15 मिनट और 20 मिनट समथिंग जो भी मेरे को मिला तो मैं ज़रूर सेवा पे आऊँगी, यही 8:30 आपके और हमारे 11 AM। तो अभी मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ और क्षमा याचना करती हूँ, और फिर अगले महीने मिलेंगे। संगत जी आप जुड़ना सभी, और सभी मेरे को माफ़ करना अगर मैंने कुछ बोला और गलत कहा। मेरी अपनी जर्नी जो जहाँ से मैंने छोड़ी है वहाँ से मैं शुरू करनी हूँ करूँगी, बहुत लंबी जर्नी है सच्ची। गुरुजी ने बड़े करिश्मे किए हैं, बहुत बहुत करिश्मे हैं। गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी ताकत है संगत जी, आप मानो नहीं। आप बैठा करो, आप गुरुजी की सिमरन पेज है उस पे आया करो, एवरी संडे में करती हूँ मंत्र जाप, वो लाइव नहीं होता, लेकिन लाइव तो मेरा ये गुरुजी ने मेरे को पहला दिया है द लाइव सत्संग, तो उस पे मैं मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप में बैठो, 15 मिनट का मंत्र जाप होता है, थोड़ा सा भजन गाती हूँ गुरुजी के चरण में, जैसे गुरुजी चाहते हैं। तो गुरुजी जो चाहें वो जो बुलवाएं वो ही बोलूंगी, वो ही कहूंगी जो गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं। गुरु का शुक्राना है, लख लख शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी आपका भी शुक्राना है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे को माफ़ी देना, मेरे को माफ़ करना, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो भी माफ़ी देना सुनील अंकल। चलो मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे भी, और गुरु प्यारे अपने गुरु गुरु जी प्यारे प्यारे गुरु जी से, आई लव यू गुरु जी, अब मैं आप माफ़ी मांगती हूँ आपसे, और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले महीने मई को, 16 मई को फिर मिलेंगे सेम टाइम पे, तो अपना मैं सत्संग शुरू करूंगी। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी जुड़ जाया कीजिए, सभी सत्संग सुनिए, कृष्णे देखिए गुरु जी के मंत्र जाप में कितनी ताकत है, जल प्रसाद में कितनी ताकत है, और टिक्के में कितनी उनकी ताकत है। सच्ची बता रही हूँ, जो टिक्का चंदन का टिक्का है ना गुरु जी का, उसके तो क्या कहने हैं, आपको बता नहीं सकती। धीरे धीरे आपको बताऊंगी, जैसे जैसे मेरी जर्नी के साथ जो जो मेरे साथ हुआ, गुरु जी ने जो जो कहा, जो जो बताया, वो मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। तो अब इजाजत चाहती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी चलो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंथ 16 मई 8:30, ओके देन 8:30 PM, ओके बाय, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।